नमस्कार, आपका वियर चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक एग्रीमेंट है खरीदार और किसानों के बीच में, जिसमें खरीदार एक कृषि उत्पाद या उत्पादों के लिए किसान से समझौता करता है। ये समझौता मार्केट के अधीन ना होकर स्वतंत्र होता है। इसमें खरीदार किसान को उत्पाद उगाने के समय ही एक दाम तय कर देता है और बाजार के उतार चढ़ाव से किसानों को मुक्त कर देता है। किसान को खरीदार की तरफ से और भी कई सहायता मिल सकती है, जैसे कि बीज, खाद या फिर वैज्ञानिक की सलाह, जो कि खरीदार के ऊपर निर्भर करता है वो चीज उस चीज को मुहैया करवाएगा या नहीं कराएगा। तो आइए जानते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना न्यूज में क्यों था। भारत सरकार ने 5 जून 2020 को अध्यादेश लाकर 3 कानून बना दिए। उसमें से एक था एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बनाई हुई। इस वीडियो में बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, जो कि द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत आता है। इस अध्यादेश के पास होने के बाद किसान संघ इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले इसका विरोध शुरू होता है पंजाब में, फिर हरियाणा में, उसके बाद ये पूरे देश में होने लगता है और इसी के साथ शुरू होता है दिल्ली चलो आंदोलन, जिसका उद्देश्य रहता है केंद्र सरकार को घेरना। एक वीडियो में मैंने इस मुद्दे पर पूरी बनाई हुई है और पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आखिर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, क्या उनकी डिमांड लेजिटिमेट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्या इसका प्रयोग कहीं पर किया जा चुका है, इन बातों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में निजी कंपनियां बुआई के समय ही किसान से एग्रीमेंट कर लेती हैं। इससे किसान के अनुसार फसल का मूल्य पहले से निर्धारित हो जाता है। किसानों को बाजार की अपेक्षा अधिक भाव मिलते हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव के जोखिम से किसान मुक्त रहता है। जिस मूल्य पर एग्रीमेंट होता है उस मूल्य पर ही कंपनियों को माल खरीदना होता है। किसान को एक बड़ा बाजार मिलता है। बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने पर खेती का काम बेहतर तरीके से होता है, जिससे किसान को सीखने का अवसर मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्रेता प्रतिष्ठान को यह लाभ होता है कि कृषि उत्पाद की उपलब्धता के विषय में अनिश्चितता नहीं रहती। खरीदारों को लेन देन की लागत में 5-10% मुनाफा होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो भी उत्पाद होगा उसे इंश्योरेंस कवर मिलेगा। किसान और ठेकेदार के बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं रहता। इस बिल में किसी भी मतभेद का निवारण बड़ी आसानी से हो सकता है। बुआई के समय ही किसान के साथ एग्रीमेंट करके दाम तय कर लिया जाता है, तो हो सकता है कटाई के समय मार्केट में उस उत्पाद का दाम कम हो गया हो, तो खरीदार तय दाम से खरीदने पर आनाकानी करने लगे, या फिर तय समय तक किसान उत्पादन नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो ऐसे समय में प्राधिकारी इसका फैसला करेगा और उसको इसका फैसला 30 दिन के अंदर अंदर करना होगा। अगर उसके फैसले से किसान या खरीदार असहमत रहते हैं तो इसका अंतिम फैसला जिला अधिकारी या मैजिस्ट्रेट करते हैं और उनके लिए भी 30 दिन का समय बाध्य है। तो इसकी वजह से कोई मतभेद के समय में आसानी से इसका निवारण हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस कानून की चुनौतियां। बड़े खरीदारों के अधिकार को बढ़ावा देता है ये कानून। कम कीमत देकर किसानों के शोषण का डर है। सामान्य किसानों के लिए समझना मुश्किल, छोटे किसानों को इसका कम होगा फायदा। किसान संगठनों की माने तो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के वक्त रेट तो ठीक तय कर सकती हैं, लेकिन जैसे आलू को लेकर कई जगह पर होता है साइज छोटा है, साइज बड़ा है, मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, पानी इत्यादि ऐसे बहाने लगाकर जो रकम होती है किसानों की उसमें से 20-30% रकम काट लेती है। बिल में विवाद की स्थिति होने पर फैसले के अधिकार SDM और फिर कलेक्टर को है। किसान संगठनों के मुताबिक SDM सरकार का आदमी है और सरकार पर कंपनियों का प्रभाव रहता है, इसलिए वो किसान के हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा। किसान चाहते हैं कि उन्हें कोर्ट जाने का अधिकार मिले। किसी भी कारणवश अगर उत्पादन नहीं होता है या कम होता है तो यह घाटा कंपनी उठाएगी, ये लिखित में नहीं है, इसलिए किसान का नुकसान होना तय है। क्योंकि अगर घाटा होने पर कंपनी किसानों से इनपुट कॉस्ट वसूल करेगी तो किसानों के पास एक ही चारा रह जाएगा, वो अपनी जमीन बेचे, इसके अलावा और उनके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। आइए जानते हैं
अमेरिका और यूरोप में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों फेल हुई? कृषि में खुले बाजार 6 से 7 दशकों से संचालित हो रहे हैं। यदि खुले बाजार इतने ही उदार थे तो अमेरिका या यूरोपीय किसान भीषण संकट की चपेट में नहीं आते। अमेरिका में वर्तमान में किसान $425 बिलियन के दिवालियापन का शिकार हैं। अमेरिका में औसत लैंड होल्डिंग 400 एकड़ यानी 160 हेक्टेयर से भी अधिक है और ऑस्ट्रेलिया में 4000 हेक्टेयर से अधिक है। भारत में औसत भूमि जोत का आकार 1.1 हेक्टेयर है और 86% किसान के पास 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। यदि कृषि खुले बाजार मॉडल ने अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के बड़े लैंड होल्डिंग के लिए काम नहीं किया तो मुझे समझ नहीं आता ये हमारे भारत के छोटे लैंड होल्डिंग वालों के लिए कैसे काम करेगा। २००२ में सरकारी समिति में अनुबंध खेती शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया था, लेकिन 2012 में इसको समाप्त कर दिया गया। पंजाब में इसके फेल होने का कारण था नई राज्य सरकार में ब्याज की कमी, विपणन समस्याएं और केंद्र से किसी भी तरह की सहायता ना मिलना। और भी कई कारण थे, राज्य और केंद्र दोनों की ओर से निरंतर वित्तीय सहायता, अच्छी गुणवत्ता के बीज की आपूर्ति, किसानों की प्रेरणा और बाजार समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन ये अनुपस्थित थी। आइए जानते हैं इस टॉपिक का निष्कर्ष क्या निकलता है। सबसे पहली बात तो हम विदेशी मॉडल क्यों अपना रहे हैं? जब हम आत्मनिर्भर ही बनना चाह रहे हैं तो विदेशी मॉडल अपनाएं ना। हम अपने ही मॉडल को जो कि एपीएमसी वाला है उसको इतना सशक्त बनाएं कि हमारे किसानों को ऐसे सड़कों पर नहीं बैठना पड़े, ऐसे हाईवे जाम नहीं करने पड़े, ऐसे स्ट्राइक्स नहीं करने पड़े। 20 से 25 किसान अभी तक इस आंदोलन में मर चुके हैं। तो इससे बेहतर यही होगा हम अपने स्वदेशी मॉडल को इतना सशक्त करें कि किसानों को ऐसा विरोध करने की जरूरत ना पड़े, वो खुशहाल रहें, वो गरीब ना रहें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।